हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज मुझे थोड़ा सा अंधेरे में शूट करना पड़ रहा है गाइस, लाइट नहीं आ रही है। और गाइस, आज की ब्लॉगिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 11:26 से, क्योंकि गाइस कल रात को हम लोग युवांश के घर से आए तो बहुत लेट हो गए थे। मतलब मैं रात को 3 बजे सोया, फिर अभी उठा। और गाइस, आप सभी को पता ही होगा कि कल का ब्लॉग भी नहीं आ पाया। सो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैंने एडिटिंग ही नहीं कर पाया, कल दिन भर युवांश की तैयारी में लगा रहा। सो इस चक्कर में गाइस, मतलब बहुत लेट ब्लॉगिंग स्टार्ट करना पड़ रहा है। लगभग मैं 9-10 बजे उठा, फिर एडिटिंग की स्पीड से, फिर जल्दी नहाया और फिर मैं रेडी हुआ। सो गाइस, अभी मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सो गाइस, अभी मैं निकल रहा हूँ युवांश के घर पे, क्योंकि आज सभी लोग जा रहे हैं युवांश के गाँव। युवांश को सबसे पहले गाँव लेके जाना है, जहाँ पे मतलब उनके शायद दादा दादी लोग का जो घर है वहाँ पे जाना है। सो गाइस, मैं रेडी हूँ बिल्कुल अभी, और थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि गाइस सभी लोग वेट कर रहे हैं और टाइम भी काफ़ी हो गया गाइस, काफ़ी धूप हो रही है। सो चलते हैं गाइस सीधा युवांश के घर और मिलते हैं सभी लोगों से, और फिर देखते हैं कि क्या करना है। बाकी अभी तो गांव जाने का ही प्लानिंग है, तो चलते हैं फिर सीधे। तो गाइस पहुँच चुके हैं, और ये देखो बात किससे बात कर रहे हैं? अरे वाह, क्या बात है। वहाँ देखो, रेडी है अंकल जी। सॉरी लेट हो गए थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, अभी पहुंच जाएंगे अपन जल्दी। सॉरी भैया, चलो एक काम करो, हम तो नहीं थोड़ी लीजिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देख पीछे नाम लेगा। आ जाओ, इसमें से वीडियो वीडियो का काम सामान करेगा, निकाल ले रहे सामान को। तो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं, और गाइस निकलते ही साथ युवांश का स्वागत करने के लिए एक दुकान पे जो भैया हैं, सो उन्होंने कहा था कि रुक जाना। सो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। महावीर दुकान, महावीर मोबाइल शॉप है। चलो युवांश, आराम से आराम से। ऐसे अमल नहीं ना, अच्छी आ रही। चलो पूरी बड़ी बना दो। ये क्या रसगुल्ला खा लिया पूरा? थोड़ा बचा है। कहाँ है? चलें? चलें? ओके, तो बोलो गणपति बप्पा मोरिया। चलें वाला। तो गाइस, अभी पेट्रोल डलवाने आए हम लोग। तो इवान से अपन लोग कहाँ पे आए? पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पे क्या कराने आए? पेट्रोल भरवाने। तो गाइस ये देखिए इवान का होर्डिंग लगा है यहाँ पे, कैसा लग रहा है? अच्छा। हाँ, मम्मी नहीं दिख रही, बस पापा दिख रहे। हाँ, मम्मी नहीं ना। मम्मी यहाँ से देख लो, मम्मी को। हाँ। ये बाय बाय कर लो बैनर से। तो गाइस देखिए, अभी हम लोग प्रसाद लेने रुके हैं। लेना है। ये तो गाइस ये देखिए, ब्लॉक से ब्लॉक की टक्कर ये हो गई है। ये तो गाइस अभी हम लोग गांव आ गए हैं। ये है युवांश का गांव। अब कुछ भी मत खाना। हाँ, रसगुल्ला और खा लो रसगुल्ले। तो गाइस हम लोग अभी गांव पहुंच चुके हैं, और गाइस देखिए गांव पहुंचते साथ ही वहाँ से वॉमिट हो गई है, और देखिए काफी लोग आ गए हैं और डीजे भी आ गया है यहाँ पे। गाइस भरी दोपहर में डीजे आ गया है। क्यों वॉमिट में क्या निकला? रसगुल्ला। गाइस ने रसगुल्ला खा लिया था दुकान पे। चलो आराम से अंकल जी, यहीं छाया में थोड़ा खड़ा कर। नहीं, अपन मंदिर चलते हैं। हाँ चलो मंदिर चलते हैं।
जाओ यहाँ से जाओ। यहाँ आते थे क्या बात कर रहे हैं जी? राजा सतपाल सिंह जो है वो यहाँ पूजा करने आते थे। अच्छा जी, ये दौड़ की जल्दी है दौड़ बहुत है बहुत बहुत। ये वाली तो गाइस हम लोग देखिए मंदिर पे आ गए हैं। पंडित जी हैं, पंडित जी ये आपका गाँव है, क्या हो गया? आराम से यहाँ पे आराम से। हाँ जय हो भगवान जी की। यहाँ पे पैर पड़ लो। हाँ वेरी गुड, अब दौड़ के जाओ, दौड़ने दो, दौड़ो फिर। ये लो, तुम वीडियो बनाना अच्छे से, ठीक है? लो हाँ थोड़े
तो गाइज अभी मैं युवांश के गांव आ गया हूँ और यहाँ पे मंदिर आए हैं हम लोग। और देखिए मंदिर के बाहर सभी लोग हैं और बहुत खुश हैं सब लोग, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। किसी किसी की आंखों में तो आंसू हैं, मैंने देखा है, जो मतलब युवांश को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जिनको बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। सो पूछते हैं किसी से, मतलब पूछते हैं यहाँ पे कुछ लोगों से कि आप लोगों को कैसा लग रहा है आज, कैसा फील हो रहा है। सो आइए गाइज पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है भैया। जी भैया, एक मेरे छोटे से गांव लागौन में जो युवांश सेन ने आज नाम रोशन किया, मुझे नहीं बाकी मेरे पूरे ग्राम लागौन वासियों को बहुत खुशी है। और मैं यही सब लोगों से कहना चाहूंगा कि आगे वाले जो बच्चे हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्पोर्ट का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो सभी आगे बढ़ाएं। और युवांश के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी गाँव वालों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हम तो सबसे पहले एक ही धन्यवाद देना चाहते हैं इसके छोटे बच्चे के, मतलब जो माता पिता हैं उन्होंने इतने उच्च लेवल पर पहुंचा है। हम तो इसी की जैसे चाहते हैं हर माता पिता अपने बच्चे को इतने। हाँ हाँ जरूर भैया। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं युवांश के खेत पर जहाँ पे कुआ है ना अंकल जी। हाँ देखिए हम लोग यहाँ पे हैं, बाकी युवांश और आंटी जी पहुँच चुकी हैं, तो चलते हैं। बाकी गाइस आज तो फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी है, स्टोरेज फुल हो चुका है, इतनी सारी वीडियो बनी है युवांश की खतरनाक की। और गाइस ये देखो आम कितने लगे भाई साहब, ये देखो गाइस कितने आम लगे हैं। आंटी बोरी भर लेगा। अरे आम से अबे पिछले साल नहीं बने पगे पगे तोड़े के थे, बढ़िया आए दिखाई युवांश आम। हाँ हाँ और ये कुआ है यहाँ पे ये। हाँ वो तो कहीं लग गई। चलो सर जी पेड़ पर चढ़ो। सर जी बैठ रहे हैं ठंड गर्मी में, हट तो नहीं लगा ना, पके नहीं है गाओ एक भी। अरे नहीं गाओ, तोड़ने आदमी है ही नहीं है, वो बच्चे नहीं है एक भी नहीं। दूसरा है पेड़ो, जो दूसरा पेड़ो। हाँ अरे ये तो एक ही पेड़ है। नहीं नहीं दो हैं, जो अलग है जो अलग है। अरे पर लग तो एक ही रहे। नहीं लग रहा है, अलग अलग है गाइस। ये क्या है, ये दोनों एक जड़ है और अलग अलग पेड़ है। ये वाला अलग है और ये वाला अलग है। इसमें मीठे लगते आम और इसमें नॉर्मल जो लगते हैं खट्टे वाले। ये कलमी आम है जी वाले। क्या बात है गाइस, तोड़ते हैं तो फिर चढ़ते हैं। गाइस देखो भाई साहब चढ़ चुके हैं युवांश के चाचा हैं, आराम से। युवांश के चाचा नहीं, युवांश के बड़े पापा हैं जी, युवांश के बड़े पापा। तो भाई देखिए युवांश के बड़े पापा चढ़ गए हैं, आराम से आराम से। इनसे बड़े पापा जी हैं। ओ भाई साहब इतनी जल्दी ऊपर, जो ही वाला जो है वेरी गुड। कर लगाओ आखिरी लाओ गैस कराओ। ये कौन लगी, ये कौन लगी। ओए गाइस ये है कलमी आम, आराम से आए। और अपनी जगह पान लगे, लो उनका फोन आ गया। ये बात करने के लिए चले गए। नेटवर्क आ गया, नेटवर्क नहीं देख रहा था पूरा ऊपर से। हाँ ये बात, रुक जा रुक जा ये अलग है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ये हाँ तो भाई देखो एक ही जड़ है, मतलब समझ में नहीं आया है क्या, दो पेड़ है बट एक जड़ दो पेड़, एक जड़ दो पेड़। दोनों अलग अलग निकले, देखो एक में ये बड़ा वाला होता है, एक में ये छोटा वाला होता है। क्या बात है, छोटा वाला है और साथ में इमली का भी पेड़ है, इमली लगी नहीं है अभी। हाँ चलो मंदिर में चलो भाई युवांश, चलो मंदिर की दौड़ लगाओ। चटनी बनाएंगे अब तो, इसकी बनाएंगे चटनी, इसकी चटनी और ये खाएंगे।